नमस्ते। जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ा ही होगा कि मैं ये बताने वाला हूँ कि बॉटल लीकिंग मतलब कभी कभी पीसी अचानक से स्टक हो जाता है या फिर अचानक से रिस्टार्ट हो जाता है, उसे कैसे करते हो। मैंने यहाँ पे अपने दोस्त को पीसी को उठाया, उसमें है पेंटियम E5700 विथ 4GB रैम विथ 2GB GT710। प्रोसेसर आई थिंक सो 3.00 GHz का है, आप देख ही सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ है एनवीडिया के साथ, तो पहले एनवीडिया को ओपन करते हैं और यहाँ पे सेट फिजिक्स नाम का ये होगा ऑप्शन, वहाँ पे सेट फिजिक्स कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ऑटो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से पता कर लेगा कि आपका प्रोसेसर अच्छा फिजिक्स प्रोवाइड करेगा या फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड। और अगली चीज़ है ये एडजस्ट इमेज सेटिंग्स विद प्रीव्यू, मतलब आपको जो क्वालिटी है उसको परफॉर्मेंस पे रखना है, क्योंकि आपका पीसी 4GB रैम और 2GB ग्राफिक्स पे चल रहा है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो आपको ये चेंज करना है। और अगली चीज़ बहुत बहुत मायने रखती है ये काम करने के लिए, तो आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, पावर ऑप्शन में, तो पहले ठीक करना है हाई परफॉर्मेंस, देन आपको जाना है चेंज प्लान सेटिंग्स में। आपको जैसे आप चाहे वैसे यहाँ पे बाहर सेटिंग्स कर सकते, लेकिन असली सेटिंग्स यहाँ पे एडवांस में, वहाँ पे प्रोसेसर मैनेजमेंट में आपको जो ये रखना है सेटिंग मिनिमम वो है 0% एंड जो मैक्सिमम रखना है वो है 65-70 के बीच में। तो मैंने प्रीफर किया है 70 यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे दोस्त का पीसी ज़्यादा बॉटल निकल ही करता होता। सो थैंक यू गाइस, और यही था आज के टिप्स एंड ट्रिक्स, और मैं ऐसे वीडियो डेली डालता हूँ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।